बच्चे एंड द एंटायर सेट ऑफ डी आई डी लिटिल मास्टर्स विद विद अहमद सर एंड विद गीता माँ आई थिंक एंड नॉट टू फर्गेट मिथुन दा बिकॉज यू नो आई हैड द गुड फॉर्चून टू वर्क विथ हिम इन माई फिल्म एंड ही इज जस्ट अ फैबुलस पर्सन आई थिंक द एंटायर वाइब ऑफ डी आई डी लिटिल मास्टर्स इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक आई थिंक ये एक ऐसा मंच है जो हर बार नए डांसर्स को नए कलाकारों को मौका देता है अपना हुनर दिखाने के लिए और मैं इस शो पर पहले भी आ चुका हूँ कई बार और हर बार आने का जब मौका मिलता है तो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मोर देन एनीथिंग लाइव परफॉर्मेंसेस देखने का मौका मिलता है विच यू थिंक वाओ यू नो इतनी सारी एनर्जी डालते हैं खासकर जब बच्चे काम करते हैं तो इट्स ऑल हार्ट जब बड़े काम करते हैं तो कैलकुलेशन होता है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा और जब बच्चे होते हैं देन वो अपने दिल से नाचते हैं दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द शो आई थिंक इस शो की जान मिथुन दा है जिनका हर बार जब भी मैं शो पे आता तो कहता हूँ कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ अहमद एंड गीता बोथ ऑफ होम आई लव डियरली एंड आई वर्क एक्सटेंसिवली विद बोथ ऑफ देम सो ऑन अ होल इट्स जस्ट अ प्लेजर कमिंग हियर एंड वी गेट अ चांस टू इवन शोकेस आवर फिल्म हमशक्ल्स फॉर व्हाट वी ऑल आर हियर टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड हमें बहुत मज़ा आ रहा है हमारा कह सकते हैं हमारा प्रमोशनल टूर चल रहा है हमशक्ल्स का और हमें साथ में बहुत मज़ा आ रहा है हम अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन्स रियलिटी शोज़ में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है देयर इज सो मेनी टैलेंटेड पीपल और ये शोज़ इतने मज़ेदार हैं आज खास करके मुझे मज़ा आएगा बिकॉज दीज लिटिल किड्स आर सो टैलेंटेड सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम आल्सो मैं थोड़ा लेज़ी हूँ और बॉम्बे की ट्रैफिक में मैं अगर मुझे एक छुट्टी मिल गई तो आई प्रिफर स्टेइंग होम एंड वॉचिंग टी वी विच इज़ लेज़ी और साजिद ने मुझे समझाया कि और मेहनत करनी चाहिए और बाहर जाके प्रमोट करनी चाहिए फिल्म को तो इस बार मैंने पूरी कोशिश की है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मुझसे आई डोंट नो आई थिंक इंडिया में बहुत से लोग हैं और अलग टाइप के लोग हैं तो साजिद मुझसे कह रहे थे कि उनके एक पड़ोसी थे एक यंग लेडी और उनसे फिल्म के बारे में बात कर रहे थे उनको पता नहीं था कि 20 जून को फिल्म रिलीज हो रही है तो सो एक पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि टीवी पे आते हैं शोज ये एक अच्छा मीडियम है अवेयरनेस स्प्रेड करने का तो प्रमोशन बहुत ज़रूरी होती है या तो आप उस लेवल के स्टार हो कि आपको प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं पड़े जिसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि आई डोंट थिंक आई एम एट दैट पॉइंट कि मैं सिर्फ अनाउंस कर लूं कि ये फिल्म रिलीज हो रही है और पूरी दुनिया देखे इवन यू सी द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स एवरीबॉडी डज प्रमोशन एंड प्रमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट या द ओनली पर्सन हु फील्स प्रमोशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट इज ईशा गुप्ता